हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब हम साउथ दिल्ली की बात करते हैं। लीजिए, मेट्रो आ गई है, बस मेट्रो के दरवाजे खुलने का इंतजार। यहाँ भी 40% वोटिंग परसेंटेज आम आदमी पार्टी के हक में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी को 34% लोगों ने वोट डाला है, ऐसा एग्जिट पोल के आंकड़े कह रहे हैं। कांग्रेस को 13%। यहाँ पे हालांकि कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ा है रूबिका, लेकिन ये जो वोटिंग परसेंटेज है ये आम आदमी पार्टी के हक में ज्यादा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब हमें इंतजार रहेगा कि ये जो वोटिंग परसेंटेज है जब ये सीट्स में कन्वर्ट होता है तो क्या एक बार फिर आम आदमी पार्टी बड़ी बढ़त लेती है। हालांकि वोटिंग परसेंटेज के बीच में अगर हम कहें तो डिफरेंस काफी ज्यादा है, तो सीटों के बीच में भी ऐसा ही सामने आया है। 7 से 9 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में, बीजेपी के खाते में 0 से 2 और कांग्रेस के खाते में 0 से 1। यानी ये जो 2015 में आंकड़ा था रूबिका, ये साफ हो जा रहा है कि उसी आंकड़े को छूती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। 67 सीटें जीती थी 2015 में, और अगर हम इन 50 सीटों के आंकड़े की जो बात कर रहे हैं, अब 60 सीटें हो चुकी हैं हमारे सामने, उसमें क्लियर स्वीप। यानी कहा जाए कि बीजेपी ने जो दावे किए थे या जो कहा जा रहा था कि फाइट में बीजेपी आ गई है, वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आम आदमी पार्टी बड़ी बढ़त के साथ बहुमत के आंकड़े को छूती हुई नजर आ रही है। बीजेपी काफी पीछे है। अब तक 5 लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी ही आगे है। और जो बात सबसे ज्यादा खास है, हैरान करने वाली है, वो ये है कि कितने भी चुनाव प्रचार किया गया हो, लेकिन जो डिफरेंस है वोटिंग परसेंटेज में भी और सीटों में भी, वो अंतर बहुत ज्यादा बड़ा है। कहीं ना कहीं बीजेपी को अब ये चिंतन करना पड़ेगा कि स्थानीय मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी। जो झारखंड में गलती कही, वही ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में बीजेपी ने कर दी है। रूबिका, यशवंत हमारे साथ सी वोटर के डायरेक्टर लगातार बने हुए हैं। ये मान लिया जाए यशवंत के कुल मिलाकर जो 2015 का था, बिल्कुल वैसी ही कुछ तस्वीर दिखाई दे रही है, क्योंकि 10 दिन पहले ऐसा लगा था अमित शाह ने जो ये एंट्री मारी है, सीटें थोड़ी सी बढ़ेंगी, वोट परसेंटेज हो सकता है थोड़ा सा बढ़ जाए, लेकिन कमोबेश वही तस्वीर दिख रही है। 60 सीटें तो आ ही गई हैं एग्जिट पोल की। देखिए विक्रम, बहुत साफ है, 3 महीने से जो ट्रैकर एबीपी पे चल रहा था, रोज चल रहा था सी वोटर का, और उसमें 3 महीने पहले बीजेपी की हालत इतनी दुर्गति की थी, 25% पे थी बीजेपी और आम आदमी पार्टी 55% पे थी। और तब से हम कह रहे थे कि ये मामला बीजेपी इस पूरे सीन से बाहर है। हाँ, सीए और उस पूरे के बाद की जो कम्युनल पोलराइजेशन की जो कवायद हुई है, उसमें जो 15 दिन तक बीजेपी का ग्राफ बढ़ता हुआ दिखा, वो भी केवल और केवल 36% पे आके अटक गया था। लास्ट के 10 दिनों में प्रधानमंत्री की दोनों रैलियां हुई, सारा कैंपेन हुआ, बहुत सारे विवादित बयान दिए गए, लेकिन वो सुई 36% के ऊपर ट्रैकर में नहीं चढ़ी तो नहीं चढ़ी, ये हम लोग देख रहे थे। और इसीलिए तब भी बार बार कह रहे थे कि पूरी कवायद से शायद केवल एक काम हुआ है कि जो 36% का बीजेपी का कोर वोट का आंकड़ा है, बीजेपी वापस उतनी इज्जत बचाने में कामयाब हो गई है इस पूरे जितना भी जो कुछ भी कैंपेन हुआ उससे। अन्यथा अगर ये कैंपेन नहीं होता, या सीए के खिलाफ माहौल नहीं बनता, या जिस तरीके का भी जो भी कैंपेन किया वो नहीं होता, तो आज से 3 महीने पहले या 1 महीने पहले तक बीजेपी की जो हालत थी वो तो 25% की थी। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।